जेएमएम के वर्कर, ठेकेदार, दलाल जो कह सकते हैं, भोला सिंह और एक तपेश्वर सिंह नाम थे, उन दोनों ने हमारे दो कार्यकर्ता को, एक तो जेएमएम से वर्षों तक जेएमएम में थे मथुरा सोरेन, पूर्व मुखिया है, और एक जयप्रकाश मंडलीय, दोनों को कल किडनैप किया। अभी भी पता नहीं छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है। हमने डीजी से हमने बात किया है, अभी जो मेरे ने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है, ये अब इसको भी लगता है कि हेमंत सोरेन जी बंगाल बनाना चाहते हैं, और ये उनकी हताशा का एक परिचय है कि इस प्रकार से हताशा और निराशा है। इन दोनों को जो किडनैपिंग हुआ है, कले हुआ है, अभी तक छोड़ा नहीं गया है। जो अभी मेरी बात हुई है कुछ देर तक पता नहीं चला, हमने डीजी से बात किया है कि तुरंत आप एक्शन लीजिए। दो व्यक्ति का नाम लेते हैं कि उनका अपहरण कर लिया गया, और कहते मैंने डीजीपी से बात की, किस थाने में इस बात की सूचना दी गई, बाबूलाल जी ये नहीं बताते। और जो जिनकी बात कही जा रही है, उनको सत्यापित भी नहीं कर पा रहे। अजीब विडंबना है, तीन पूर्व मुख्यमंत्री, एक पूर्व उप मुख्यमंत्री, या यूं कहे कि दो मुख्यमंत्री, वहां कसरत के बाद भी लोग उनको रिजेक्ट कर दे रहे हैं। कहीं कहीं तो जन प्रतिरोध ऐसा हो रहा है, उनको जगह छोड़ के भागना पड़ता है। और ये लोग केवल कागजों में अपनी बात कहकर लोगों के बीच में भ्रम पैदा कर रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।